पूरा मामला हुआ था ये मंगलवार को शाम को इनको सजा हुआ था और दहेज उत्पीड़न में, और इनका उसी टाइम से तबीयत ख़राब था, हाथ पांव फूला था, मतलब वकील से भी अपील हुई थी कि इनको बेल पे छुट्टी दे दिया जाए, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। कल सुबह हम लोग भी आए थे जेल में मिलने के लिए, और उनको दवा भी लेकर आए थे, सब दवा गेट पे रोक दिए और बोले अंदर से दवा मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। और कल सुबह में पता चला है कि इनका मृत्यु हो गया। क्या मानते हैं आप? अब मानते क्या, सारा लापरवाही है जेल प्रशासन का है। बंदी हारमती की मृत्यु आज भोर में हो गई है। बंदी 23 तारीख को जेल में आई और 24 तारीख को अदालत गई और उसको सजा 7 साल की सजा हो गई। 25 तारीख को उनके परिजन मिलने आए थे और रात को वह महिला खा पी करके सो गई। सवेरे करीब 5:15 बजे उस बंदी की मृत्यु हो गई, महिला बंदी की, सोए सोए। क्या परिजनों के आरोप निराधार हैं? बंदी एक दिन पहले, दो दिन पहले आई, कल भी उनके परिजन मिलने आए थे, उनके परिजनों ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की। उनके हस्बैंड और बालक, उनका बच्चा भी जेल में निरुद्ध है, उनके द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है। और रही बात, कल डॉक्टर भी गए थे, शाम के वक्त ही गए थे, महिला बंदनी द्वारा कोई भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई।